उच्च स्तरीय बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड, न्यायिक जांच आयोग गठित। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की सूचना मिलते ही तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित कर पूरे घटनाक्रम की जांच कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को प्रयागराज भेजा गया है। इस मामले में 17 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस कमिश्नर संवेदनशील इलाकों में निकले हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में हुई घटना के बाद प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासकर प्रयागराज में बड़ी तादाद में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। घटनास्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस के अलावा एसटीएफ भी घटनास्थल से सबूत बटोर रहे हैं। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स पर पीएसी बल की तैनाती भी की गई है। डीजीपी आर के विश्वकर्मा और स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था एवं अपराध प्रशांत कुमार पूरे घटनाक्रम की गहनता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ 4 दिन की पुलिस कस्टडी में थे। शनिवार को तीसरे दिन थूमनगंज थाने के लॉकअप में बंद अतीक व अशरफ से एटीएस ने हथियार तस्करी की बाबत पूछताछ की थी। रात लगभग 10:30 बजे जब दोनों को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए कॉल्विन अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी मीडिया कर्मी बनकर 3 बदमाश बाइक से आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी।